नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्लियामेंट्री बिजनेस। आपके साथ मैं हूं रिया राय। मेरे साथ देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। लगातार 14वें दिन महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। दिल्ली में आज डीजल 61 पैसे तो पेट्रोल 51 पैसे महंगा। राज्यसभा चुनावों में बीजेपी ने एमपी में 2, गुजरात में 3, राजस्थान में 1 और झारखंड में 1 सीट पर कब्जा जमाया। गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए हुए चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी के 3 उम्मीदवार रमिला बारा, नरहरी अमीन और अभय भारद्वाज की जीत हुई। गुजरात राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 2 में से 1 प्रत्याशी शक्ति सिंह गोहिल की जीत और पूर्व केंद्रीय मंत्री भरत सिंह सोलंकी को हार का सामना करना पड़ा। मणिपुर में सरकार पर संकट के बीच बीजेपी ने जीती इकलौती राज्यसभा सीट। कांग्रेस ने राजस्थान में 2 सीटों पर कब्जा जमाया। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल राजस्थान से चुनाव जीते, उन्हें 64 वोट मिले जबकि कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार नीरज दांगी को 59 वोट मिले। मध्य प्रदेश राज्यसभा में बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया और सोलंकी पहुंचे राज्यसभा, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह भी जीते। हैदराबाद में वायुसेना की पासिंग आउट परेड, एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया मौजूद। राहुल गांधी का पीएम मोदी से सवाल, चाइनीज धरती थी तो हमारे सैनिक क्यों हुए शहीद। ग्रामीण भारत में रोजगार मुहैया कराने के लिए पीएम मोदी बिहार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च करेंगे। चीन के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक की। इस बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि ना वहां हमारी सीमा में कोई घुसा हुआ है, ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आदेश जारी किया कि सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए 5 दिन सरकारी क्वारंटीन में रहना अनिवार्य। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने 8 राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान किए। विजय माल्या की 3 साल पहले दायर पुनर्विचार याचिका को सूचीबद्ध नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी रजिस्ट्री से स्पष्टीकरण मांगा। 26/11 हमले में मुंबई दहलाने वाले तहबूर राणा को लॉस एंजलिस में अमेरिकी प्रशासन ने किया गिरफ्तार। झारखंड में 2 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव में सत्ताधारी जेएमएम और विपक्ष बीजेपी दोनों को 1-1 सीटें मिली। जेएमएम उम्मीदवार और राज्य के पूर्व सीएम शिबू सोरेन के पक्ष में 30 वोट पड़े जबकि बीजेपी उम्मीदवार दीपक प्रकाश को 31 वोट मिले। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सभी 4 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जीत हासिल। विजेताओं में परिमल नाथवानी का नाम भी शामिल। मिजोरम की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए हुई वोटिंग में सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट एमएनएफ के उम्मीदवार के वानलाल वेना को जीत हासिल हुई। सबसे पहले मेघालय से चुनाव परिणाम सामने आए, वहां नेशनल पीपल्स पार्टी ने राज्यसभा सीट पर जीत हासिल की। सत्तारूढ़ एनपीपी के उम्मीदवार डब्ल्यूआर खरलुखी ने कांग्रेस के कैनेडी खैरम को हराकर चुनाव जीता। सोनिया गांधी ने कहा कि पीएम मोदी हमें सभी जानकारी साझा करें और इस साल अप्रैल से लेकर अब तक के सारे हालात की जानकारी दें। क्या सरकार यह स्वीकार करेगी कि यह खुफिया तंत्र की विफलता है। लद्दाख हिंसा पर बोले वायुसेना प्रमुख, जाबाजों का बलिदान नहीं जाने देंगे व्यर्थ। दिल्ली में कोरोना केस 50,000 के पार पहुंचे, एक दिन में 3,137 नए मामले। इंडियन प्रीमियर लीग गवर्निंग काउंसिल ने ऐलान किया कि वह टूर्नामेंट से जुड़े अलग अलग प्रायोजकों को लेकर अगले सप्ताह समीक्षा बैठक करेगी। नीतीश कुमार ने चीन मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक में कहा कि चीनी उत्पादों की खरीदारी ना करें। चीन से तनाव होने के बाद केंद्र सरकार ने भारत का चिकन नेक कहे जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर काम तेज कर दिया है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।